हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म, ये एक यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म है जिसने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और उस रिपोर्ट में इसने दी है एक स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट की वजह से अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आखिर वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है ब्रेजन स्टोक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड। अब इस स्टेटमेंट को कोई नॉर्मल इंसान समझना चाहे तो नहीं समझ सकता, क्योंकि इस स्टेटमेंट में इतनी ज्यादा भारी भरकम इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे आखिर ये जो वर्ड्स इंग्लिश के यूज किए हुए हैं इनका मतलब क्या है, और असल मसला क्या है जो आपको पता चलेगा इन सभी इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में समझने के बाद। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो इन वर्ड्स में से इंग्लिश जरूर आने वाली है, कोई ना कोई वर्ड जरूर आपके एग्जाम में अपीयर होने वाला है। तो जरूर अच्छे से इस वर्ड को समझिए और इस मसले को भी समझिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये मसला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड एंड विद शेम, मतलब कि निडर और शर्मनाक तरीका। ब्रेजन वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है कि जो हरकत वहां पे हो रही है उसके लिए उन्होंने बताया है कि बहुत ही निडर और शर्मनाक तरीके से की जा रही है। क्या किया जा रहा है? स्टॉक मैनिपुलेशन। स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है? जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स के साथ हेर फेर की जा रही है। शेयर्स के साथ हेर फेर कैसे की जाती है कि मार्केट पे जो शेयर होते हैं वो फ्री एंड फेयर, अपने आप जो अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, वो मार्केट फ्री तरीके से चलती है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे आपका जो शेयर प्राइस है वो इम्पैक्ट हो जाए, जैसे कि आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ गलत न्यूज़ फैला देते हैं, तो उस वजह से हमारा आपका जो मार्केट प्राइस है वो फेयर एंड फ्री मार्केट में नहीं चल पाता है। तो एंड अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम। अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम तो मतलब जो फर्म के जो अकाउंट्स हैं जिनसे हमें प्रॉफिट लॉस पता चलता है, जो अकाउंट्स के जो फर्म्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी कुछ फ्रॉड्स हुए हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जिससे उसमें फ्रॉड दिखाई देता है। ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड। ओवर द कोर्स ऑफ द डिकेड का मतलब क्या है कि पिछले 10 साल के दौरान। तो सीधा सीधा जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है, एलिगेशन का मतलब आरोप, ये लगाया गया है कि पिछले 10 सालों के दौरान अडानी ग्रुप में ब्रेजन मतलब ऐसी निडर और शर्मनाक स्टॉक के साथ हेर फेर की गई है और अकाउंट में फ्रॉड किए गए हैं। तो इस स्टेटमेंट के आते ही जो अडानी ग्रुप है उसको इतना ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है, और वो अभी तक लॉस बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि जो अडानी ग्रुप है उसने साफ साफ मना कर दिया कि इस स्टेटमेंट का कोई बेस नहीं है, बेसलेस स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना अडानी ग्रुप को करना पड़ रहा है। अब ये स्टेटमेंट कितनी सही है क्या कितनी गलत है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने सीखे हैं काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स। और अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो आती रहती हैं न्यूज़ चैनल पे या फिर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, इन स्टेटमेंट्स में से वर्ड्स उठाकर उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उनको अपने डे टू डे में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, तभी आप उन वर्ड्स को याद कर पाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टॉकिंग इन इंग्लिश।